मोबाइल फ़ोन से एडुकेशनल वीडियो बनाने के लिए या ऑनलाइन टीचिंग वीडियो बनाने के लिए दोस्तों जो सबसे ज़रूरी एप्लीकेशन होता है वो होता है स्क्रीन रिकॉर्डर। दोस्तों जब हम लोग प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर तो दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन मिलता है, लेकिन उनमें से बहुत से जो एप्लीकेशन है वो किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए किसी में तो बहुत सारे एड्स देखने को आपको मिलेगा, यानी कि आप जब स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आपको बार बार जो उसके विज्ञापन है वो आपको परेशान करेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें कि वाटरमार्क देखने को आपको मिलेगा, जिससे कि हमारा वीडियो जो है बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं बन पाता है। दोस्तों जब बात आती है एडुकेशनल वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड करने की तो दोस्तों ऐसे केस में हमें ज़रूरत होती है ब्रश फीचर का। तो दोस्तों आपको इन दोनों स्क्रीन रिकॉर्डर में ब्रश फीचर भी देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से दोस्तों आप PDF के ऊपर बहुत ही आसानी से लिख करके पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वो कौन से दो फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर है जिसकी मदद से हम PDF के ऊपर लिख करके पढ़ा सकते हैं और साथ ही प्रोफेशनल तरीके से अपनी एडुकेशनल वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो आइए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल @TechMitra। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी जो दोस्तों आप ये वीडियो देख पा रहे हैं ये मैंने इसी स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने रिजल्ट है कि ये वीडियो जो है कितनी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हुआ है। साथ ही दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई वाटरमार्क भी नहीं है। और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हैं कि मैं इस PDF के ऊपर बहुत ही आसानी से लिख भी पा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से PDF या PPT पे लिख करके पढ़ा सकते हैं और साथ ही दोस्तों आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला स्क्रीन रिकॉर्डर है तो वो है दोस्तों एक्स रिकॉर्डर, ठीक है, एक्स स्क्रीन रिकॉर्डर। इसकी मदद से दोस्तों आप PDF के ऊपर लिख भी सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रश टूल का भी मैं यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको ब्रश टूल मिल जाता है जिसकी मदद से दोस्तों आप अगर कोई चीज़ मेंशन करना चाहते हैं, कोई चीज़ स्क्रीन पे ये चीज़ें दिखाना चाहते तो दोस्तों ये सारे काम आप बहुत ही आसानी से इस स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों आप अच्छी क्वालिटी में अपना एडुकेशनल वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर है इसका भी नाम मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं विदमा स्क्रीन रिकॉर्डर लाइट, ठीक है, VIDMA विदमा स्क्रीन रिकॉर्डर। दोस्तों जब आप प्ले स्टोर पर विदमा स्क्रीन रिकॉर्डर लाइट लिख करके सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। दोस्तों ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है विदमा स्क्रीन रिकॉर्डर लाइट, इसका आइकन दोस्तों कुछ इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आइकन नीले कलर का है। तो दोस्तों आपको यही स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना है। दोस्तों ऊपर में स्क्रीन रिकॉर्डर लिखा हुआ मिलेगा, नीचे दोस्तों आपको विदमा वीडियो स्टूडियो लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों आपको यही चीज़ें डाउनलोड करनी है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें कुछ सेटिंग कर लेनी है। अब जो ज़रूरी सेटिंग है दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको विदमा स्क्रीन रिकॉर्डर में दोस्तों आपको ऊपर में सभी टूल मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर, ब्रश टूल और सेटिंग, ये सभी आइकन दोस्तों आपको ऊपर में मिलेंगे। दोस्तों अच्छी क्वालिटी में और बेहतरीन तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों आपको इस स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करने के बाद इसकी प्रॉपर सेटिंग करनी ज़रूरी होती है, तभी दोस्तों आप एक अच्छी क्वालिटी में अपना एडुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इन दोनों स्क्रीन रिकॉर्डर में हमें कौन सी सेटिंग करनी है जिससे कि हम अच्छी क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड कर सके, साथ ही दोस्तों हम लोग अच्छी क्वालिटी में अपनी ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सके। और साथ ही दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्रश टूल इनेबल करना है तो ये आप कैसे और कहां से कर सकते हैं। एक्स रिकॉर्डर है, ठीक है, इसमें दोस्तों आपको सेटिंग का जो टूल है वो सभी दोस्तों आपको नीचे में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है रिकॉर्डिंग का बटन है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ नीचे जो राइट साइड कॉर्नर में आपको दिख रहा है यहाँ दोस्तों आप क्लिक करके इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है।
अब सवाल आता है कि हम सेटिंग कैसे करें और क्या करें, तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जब आप राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन आपको दिख रहा है, जब दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ राइट साइड कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पे ये सेटिंग आइकन है। जब दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा ऑडियो सेटिंग। ऑडियो सेटिंग में दोस्तों आपको इंटरनल एंड माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपको इंटरनल ऑडियो 100% और माइक्रोफोन दोस्तों आप 100% कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑडियो सेटिंग। अब बात करते हैं वीडियो सेटिंग का। तो वीडियो सेटिंग में दोस्तों आप 1080p रख सकते हैं और फ्रेम रेट दोस्तों आप 30 रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आपको जैसा है वैसा ही आपको रहने देना है, इधर आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों जब आप पेज को स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आपको मिलता है हाइड फ्लोइंग बॉल ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, तो दोस्तों आपको इसे अनचेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, जब आप स्क्रॉल करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कैमरा का ऑप्शन। अगर दोस्तों आप फेस कैम के साथ अपना एडुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि PPT भी दिखे या PDF भी दिखे, यानी कि आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी दिखे, और साथ ही दोस्तों अगर आप वीडियो में अपने आप को भी दिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे कैमरा वाले चेकबॉक्स को चेक टिक कर देंगे। दोस्तों अगर आप PPT पे लिख करके पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप ब्रश को यूज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ से ब्रश वाले जो चेकबॉक्स है उसे आप चेक टिक करके उसे एनेबल कर लेंगे। तो जैसे ही आप ब्रश वाले चेकबॉक्स को चेक टिक करेंगे तो आपको दोस्तों कुछ इस तरह का ब्रश टूल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसे यूज करके दोस्तों आप स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप PPT पे लिखना चाहें तो दोस्तों आप यहाँ पे ब्रश टूल से आप PPT या PDF पे लिख सकते हैं। इरेज करना चाहें तो दोस्तों आप इरेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारे टूल दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब दोस्तों आप ब्रश वाले चेकबॉक्स पे चेक टिक लगा देंगे। तो दोस्तों आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में यही सारी सेटिंग करनी होती है। आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको इस एप्लीकेशन में क्या क्या सेटिंग करनी है और कैसे करनी है। दोस्तों इन दोनों एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके देखें, ठीक है, जो आपके फ़ोन में अच्छे से चल जाए, जिसे यूज करना आपको सबसे ज़्यादा आसान लगे और उसे एडुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर सकते। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर एडटेक मित्रा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।